वो बार बार याद आ रहा है, और इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, या उस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपकी बातचीत ही नहीं हो रही, लेकिन आप उनको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, जब वो इंसान 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा है, आपको और कुछ चीज़ों के बारे में समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें, और ऑलरेडी आप उस इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो अब इस सिचुएशन में तो देखिए, हम हमेशा यही कहते हैं कि लेट इट गो, लेट गो करोगे किसी इंसान को तो ही वो ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो भाई अब इतनी ज़्यादा याद आ रही है, 24 घंटे वो इंसान आपके दिमाग में ही चल रहा है, तो लेट इट गो वाला तो मतलब कैसे पॉसिबल है, वो तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस अटैचमेंट को कैसे ख़त्म करें, इस तरह से अगर कोई इंसान की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है और उसी टाइम पे आपको ये सोचना है कि भाई अब मैं क्या करूँ, कैसे इस चीज़ को मैं रिवर्स करूँ, तो बहुत ईजी है वैसे देखा जाए तो, सिंपल है। आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि जब कोई इंसान हमें याद आता है तब हमें दो चीज़ फील होती है, या नेगेटिव फील होता है या पॉजिटिव फील होता है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपको किसी इंसान की याद आती है तब आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको उनके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ को नहीं बोलना है या सोचना है कि भाई उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये किया, वो तो ऐसा है, मुझे धोखा दिया, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। क्योंकि जब हम किसी भी इंसान को पूरे दिल से पूरा फील करके याद करते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो उस इंसान तक जाते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी इंसान को याद करते वक्त दुखी फील करते हो, आप रोते हो या आपको नेगेटिव फील होता है, तो वो वाइब्रेशंस नेगेटिव वाले उस इंसान के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप स्पेशली उस इंसान को वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उनको याद करते वक्त ऐसा फील नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको जब भी उसकी याद आए ना, कोई भी इंसान हो, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइक सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन या पार्टनर हो, कोई भी इंसान हो, तो आपको पॉजिटिव फील करना है, आपको खुशी महसूस करनी है और आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपको उस इंसान को भी थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है, आपको ये मेमोरीज को रिकॉल करना है जो अच्छी वाली हुई है उस इंसान के साथ, भले वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक करके बैठा है, लेकिन पास्ट में कभी ना कभी उस इंसान के साथ आपकी कोई अच्छी मेमोरी होगी, कुछ ऐसे अच्छे इवेंट्स होंगे, इंसिडेंट्स होंगे, कुछ ऐसी अच्छी बातें होंगी, तो उसको रिकॉल करके आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पे अगर आपको उस इंसान की याद आई तो आपको स्माइल करना कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू आपने उस टाइम मेरे लिए ये किया, थैंक यू आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी है, इस तरह से उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को याद करना। ठीक है, और यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स इस इंसान को मेरी लाइफ में लाने के लिए। ठीक है, इस तरह से जब आप थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे ना, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप क्रिएट करेंगे ना, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और वो वाइब्रेशंस उस इंसान के पास भी जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव फीलिंग्स, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जीज उस इंसान के पास जा रही है, वो रिसीव कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो भी आपको मिस करेगा क्योंकि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाइब्रेशंस उसके पास जा रहे हैं, और इस वो भी आपको पॉजिटिव वे से मिस करेगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस छोड़ रहे हो तो उसको भी नेगेटिव फील होगा, उसको भी अच्छा फील नहीं होगा, वो भी बेचैन हो जाएगा, उसको वो आपसे और दूर जाएगा। ठीक है, तो जब भी उसकी याद आए, किसी भी इंसान की बहुत ज़्यादा याद आए, तो उसी वक्त आप उसके बारे में अच्छा फील करो, अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, उसको थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, और इवन आप उनकी क्वालिटीज़ को भी राइट डाउन कर सकते हो, उस इवेंट्स को पुट कर सकते हो, लिख सकते हो कि भाई ये हुआ, ये बहुत अच्छी बातें हैं इनके अंदर, वो सब करो। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर जो लैक है ना इस वक्त, वो लैक इंस्टेंटली गायब हो जाएगा। एक बार एक्सपीरियंस करके देखो फिर मुझे बताना, जब भी आप इस तरह से किसी इंसान के बारे में सोचेंगे, फील करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो उस इंसान की जो इस वक्त आपको लैक फील हो रहा है ना, भाई वो इंसान मुझसे बात नहीं करा, वो ये है वो सब खत्म हो जाएगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, वाइब्रेशंस क्रिएट होगी ना, कि ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट होगा, देखना वो इंसान आपको पॉजिटिव वे में मिस करना स्टार्ट करेगा। क्या बता, और होता ही है कि वो इंसान आपको खुद सामने से अप्रोच भी करता है। तो जब भी किसी की याद आए तो दुखी नहीं होना है यार, खुश होना है, अच्छा फील करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ के देखिए,
जो दिमाग है ना वो किसी चीज़ को पकड़ ले तो फिर वो उसके बारे में सोचता रहता है। तो आप अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखो अच्छी एक्टिविटीज़ में, चीज़ों में, किसी अच्छे काम में, जिससे आप थोड़ा यू नो बिजी रहें, आपका माइंड उसमें बिजी रहे, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। खाली दिमाग होगा तो बस अनवांटेड थिंग्स ज़्यादा सोचेगा, तो अपने आप को प्रोडक्टिविटी में बिजी रखिए, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेटेड रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लाइफ में लाफ्टर होना बहुत ज़रूरी है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, है ना, ये तो हमको पता ही है। तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कीजिए, कुछ हंसी मजाक, थोड़ा यू नो चिल करिए, मतलब अच्छा महसूस कीजिए, मतलब हंसी है, ठीक है ना। सो हर वक्त सीरियस रहना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए एंड टेक इट ईजी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किसी की याद आ रही है तो ठीक है, उसको पॉजिटिवली लो, ठीक है। जितना आप रेजिस्ट करेंगे ना तो वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब किसी की याद आ रही है तो एकदम से उसको रेजिस्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ फील हो रहा है ना आपको, वो फीलिंग्स को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिप्लेस कर सकते, ठीक है। तो यही ट्राई कीजिए कि आपको अगर लैक फील हो रहा है, आपको नेगेटिव फील हो रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने से अच्छा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको उसको रिप्लेस कर देना है पॉजिटिविटी से, ग्रेटिट्यूड से। बिजी हो जाओ अच्छे कामों में, हंसते रहो, तो यू नो इंस्टेंटली आप शिफ्ट कर सकते हो अपने वाइब्रेशंस को, इट्स दैट ईजी, ठीक है। तो डोंट वरी, किसी की याद आ रही है तो उसको अच्छे तरीके से लो। इस तरह से अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना इस चीज़ को, जब किसी की याद आ रही है इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे ना, आप खुद एक्सपीरियंस करना, ये मैं आपको बता रही हूँ, इंस्टेंटली जो आपको ये ऑब्सेशन हो रहा था ना कि बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वही चल रहा है, वो एकदम से गायब हो जाएगा। आप एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, आप एकदम से बिजी हो जाएंगे, वो चीज़ भी बार बार नहीं आएगी दिमाग में। देखना, ये ट्राई करना, ऑटोमेटिकली लेट गो हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना, बिल्कुल ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। आप एक्सपीरियंस कीजिए फिर मुझे बताना, ठीक है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप को वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।